हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे सर्विस यूट्यूब चैनल के फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हमारे पास न्यू बुक में आई है घटना चक्र का इतिहास। दोस्तों घटना चक्र के सारे सीरीजों में अभी बस दो ही बुक निकली है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने घटना चक्र का जनरल साइंस दिखाया था, और आज हमारे पास आई है ये बुक इतिहास की। काफी दिनों से आप इसका वेट कर रहे थे, तो इसका रिव्यू मैं अभी थोड़ी देर में आपको करके दे रहा हूँ। साथ ही बुक चेक करने के लिए 10 पेज का पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले बस हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी इस सर्विस संचय यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डबल कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास रोजाना नया नया किताब आते रहता है जिसका रिव्यू मैं करके देता हूँ। साथ ही बुक चेक करने के लिए 10 पेज का पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपसे बता दूं कि काफी दिनों से आप देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर बंद है। आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो जरा सा कुछ हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, इसलिए बुक भेजने वाली सर्विस हमने थोड़ा देर के लिए बंद रखे है। मेरा वो फोन बंद है, कुछ दिनों में वो सर्विस भी मैं सारे सर्विस आपके चालू कर दूंगा, बुक सेंड करने वाले भी। तो कुछ दिन बस आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद से मैं आपको बुक भेजना चालू कर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हेलो हैं। फ्रेंड्स, तो ये है घटना चक्र का पूर्वालोकन इतिहास। दोस्तों आज ही ये बुक न्यू आई है, 2021 एडिशन। इसका पहला बुक आया था हमारे पास जनरल साइंस, और ये अभी दूसरा बुक आया हिस्ट्री हिंदी में इतिहास। इस बुक का काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे थे, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे, तो ये अब आ चुकी है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है ओनली 425 रुपये, 425 रुपीज़। चलिए देखते हैं इस बुक के अंदर क्या कंटेंट है। ये रहा इसका कंटेंट, यहाँ पे आप देख लीजिए। हिस्ट्री में तीन टॉपिक होते हैं, तीनों टॉपिक इसमें दिखाए गए, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और साथ ही आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया भी। इसमें तीनों पार्ट हिस्ट्री का हमें देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक को चेक करने के लिए मैं आपको 10 पेज का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक आप जरूर से देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ पीडीएफ में नहीं रहती है जो मैं आपको बता के देता हूँ। तो यहाँ पे प्राचीन काल का इतिहास से यहाँ शुरू हुआ, कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मैं जरा जूम कर दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही उनका आंसर भी दिया गया है। चलिए आगे और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे किसी भी क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद उस क्वेश्चन, ये UPSC में आया है एग्ज़ाम में 2008 में, वो भी लिखा हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ, उसके बाद उसका आंसर का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में और ज़रा सा बताया गया है कि वो आंसर उसमें कैसे आया क्या नहीं। हर क्वेश्चन में देखिए जैसे ये स्क्वायर एक ब्रैकेट टाइप से बनाया हुआ है स्क्वायर, इसके अंदर उस क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऐसा है इसमें शॉर्ट कट तरीका से नहीं किया गया कि डायरेक्ट आंसर दे दिया और दूसरा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर दिया है और वो किस तरह से क्या है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही किस ईयर में ये क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया था वो भी इसमें लिखा हुआ है। इस तरह से ये काफ़ी अच्छी स्टडी मटेरियल है, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट करे तो आप वहाँ से भी उसे कैच कर लोगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इसी पे, इसी तरह ही पूरे बुक इसी पैटर्न पे आधारित है, और इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी स्टडी मटेरियल है घटना चक्र की। तो इस तरह से मैं इस बुक का आपको बुक चेक करने के लिए, चलिए मैं 10 पेज का पीडीएफ आपको दे दूंगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो इस बुक का 10 पेज का पीडीएफ फ्री एंड कॉस्ट बुक चेक करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक अच्छी बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।